नमस्कार। नौ नक्षत्र ज्योतिष केंद्र के सभी व्यूअर और दर्शकों को सनातनी नव वर्ष की हार्दिक बधाई। 2 अप्रैल से हिंदू नव वर्ष जहां प्रारंभ हो रहा है, वहीं चैत्र नवरात्रि का भी प्रारंभ हो रहा है। इस नवरात्रि के अवसर पे ऐसा क्या हम उपाय करें कि हमारे घरों में आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, लोगों के जीवन में लोक कल्याण की जो भावना है वो विकसित होती रहे और हमारा विकास दिनों दिन वर्ष भर चलता रहे। आइए आचार्य जी से पूछते हैं। आचार्य जी नमो राघवाय। नमस्कार। नक्षत्र ज्योतिष केंद्र देवरिया से आज हम मनोज जी के साथ नौ वर्ष की अग्रिम शुभकामना के साथ उपस्थित हुए हैं। मेरे सभी व्यूअर, सभी मेरे दर्शकों को नौ वर्ष की अग्रिम शुभकामना। आज हम नौ वर्ष पे कुछ विशेष चर्चा करेंगे, जिससे ऐसा कुछ हम नवरात्रि में उपाय करें कि वर्ष भर मेरे घर में मंगल कार्य होते रहें, सबकी बुद्धि में विशेष उपज हो व एक वर्ष तक किसी भी समस्या से हम वर्ष भर किसी भी समस्या से हम उलझे नहीं। तो नौ वर्ष जो हमारा होता है हिंदुओं का, शुरुआत होते ही सबसे पहले हम लोगों के यहाँ माँ भगवती का पदार्पण होता है, साथ ही घर में अन्न का भंडारण होता है, सभी वृक्षों पे फूल और फल लेकर झूम रहे होते हैं। तो ऐसे ही नौ वर्ष का आगाज देखने को मिलता है, यहाँ महसूस करने वाली कोई स्थिति नहीं होती है। तो जिन घरों में मानसिक बिगाड़ हो, आपसी तनाव बढ़ रहा हो या कमाने के बावजूद भी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो रही हो, ऐसे स्थिति में हम कुछ लघुतम उपाय बता रहे हैं जो करने से आप शीघ्र कुछ समस्याओं से निजात पा जाएंगे। तो जिन घरों में हमारी बहनें हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है, कई सालों से प्रयासरत हैं, विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तो नवरात्र उसके लिए नौ वर्ष का नवरात्र राम बाण है, जिसके लिए मैं बता रहा हूं उपाय, उसे आप नोट कर लें और उसे करते रहें। मात्र यह 9 दिन का ही उपाय करने से ये वर्ष खुशियों का भंडार लेकर उपस्थित हुआ होगा। तो जो बहनें कुमारी हैं और विवाह के योग्य हैं या विवाह नहीं हो पा रहा है, वो प्रथम दिन नवरात्रि का व्रत रखें। व्रत के दिन नारियल, पान का पत्ता और 16 दाना किशमिश पहले दिन ले के जाएं मंदिर में, माँ के सामने अपनी कामना रखें और चली जाएं पुनः घर अपने। दूसरे दिन से प्रत्येक दिन पान के पत्ते पर हल्दी की गांठ घर से लेके जाएं, वह मंदिर में अर्पित करके आएं। ये लगातार 9 दिन तक कार्य करें। 9वें दिन पुनः एक नारियल लें, लाल चुनरी लें और साथ में हल्दी का गांठ लें। यह ले जाकर माता जी के मंदिर में उसे चढ़ाएं। यह कार्य करने से 6 महीने के अंदर अंदर ही आपका विवाह 100% तय हो जाएगा। वहीं जो उदर शूल से ज्यादा पीड़ित हों और उन्हें पेट की बीमारी से निजात नहीं मिल पा रही हो, उनके लिए विशेष उपाय है। पहले दिन यदि आपके घर में कलश स्थापना हो रहा हो तो वहीं पे गंगाजल, शहद और वह तुलसी दल तीनों को एक साथ अपने पूजा पाठ करने के बाद माता के चरण में प्रसाद के रूप में चढ़ाएं और उसे नित्य पाएं। इसके ग्रहण करने से 9 दिन पूरा होते ही आपको अचंभित लाभ दिखाई देगा। जिन घरों में आपसी तनाव बढ़ता जा रहा हो, माँ बेटे में, पिता पुत्र में या भाई भाई में, उन घरों में नारियल का पानी, केसर व गंगाजल
तीनों का प्रतिदिन छिड़काव करें नवरात्र भर घर में अपने। इससे पारिवारिक विकार दूर होंगे व शीघ्रता ही घर में मंगल कामनाओं का आगमन होना शुरू हो जाएगा। आज इन्हीं उपायों के साथ नव वर्ष की अग्रिम शुभकामना देते हुए आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार।